अनसब्सक्राइब मी, मैं खुद बोल रहा हूँ, मुझे अनसब्सक्राइब कर दो गाइस। भाई क्या हाथ, भाई पूरा झूम ले, भाई कितने क्यूट दिख रहे हैं। So, hello guys, welcome back to the channel, Raw Material. आज सब मिल ले, finally नहा लिया। अबे साले मैं कल एक ही दिन नहीं नहाया था। आज का हमारा प्लान है कि हम लोग बाहर जाने वाले हैं एक राउंड मारने के लिए। हम लोग, मैंने कल बोला था आपको कि मुझे जाना है चिड़ियों को खाना खिलाने के लिए। तो सुबह मैंने इसको 7 बजे उठाया, मेरे को अरे 7 बजे थोड़ी चिड़िया आती है, आधे घंटे रुक जा करके और टाइम देखो। ठीक है, तो अभी हम लोग जाने वाले बाहर। बाहर जाने से पहले हमें फिट करना है, मेरा जो हैंडल बार है वो क्योंकि ढीला हो गया है। उसके अलावा गाइस मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो ही मुझे सब्सक्राइब करो, अगर आपको मेरे वीडियोस नहीं पसंद है तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मी, मैं खुद बोल रहा हूँ, मुझे अनसब्सक्राइब कर दो गाइस, मैं सच्ची में बोल रहा हूँ, प्लीज़ मुझे अनसब्सक्राइब कर दो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है ना तो ही मुझे देखो। कल डेट थी 1 फरवरी और कल का जो मेरा वीडियो था उस पर बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आए, बहुत प्यार भी दिखाया लोगों ने, और सिर्फ एक ही हेट कमेंट आया था। और वो कमेंट क्या था मैं आपको बताता हूँ, नाम है बंदे का अमन शेख, भाई ने क्या डाला है, भाई वीडियो बनाना बंद कर दो। बताओ, बोलता है वीडियो बनाना बंद कर दे, भाई तू आज आके मुझे सब्सक्राइब कर रहा है और मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 साल से, तू ये जो कमेंट्स कर रहा है ना भाई, बंद कर दे, अनसब्सक्राइब कर दे, मैं खुद बोल रहा हूँ, इसे एटीट्यूड मत समझ, ये मतलब मैं अपने लिए कर रहा हूँ। जब मुझे नेगेटिव लोग नहीं चाहिए, मैं सुबह उठ के तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि मुझे ये सब सुनना होता है, मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे आप लोग का प्यार बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, आके हर्ट्स देता हूँ और मुझे अच्छे लगते कमेंट्स, तो मैं रिप्लाई भी देता हूँ। और ये बंदा कल तक कमेंट कर रहा था भाई प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई। मैं एक आपको कमेंट पढ़ के सुना, मिस्टर ऋतिक जाधव का है, बस का भाई जर्नी खूब भारी झाले, 1 के पास 1 के पास 25 के झाले आता, कीप ग्रोइंग, मतलब इतना अच्छा कमेंट है। और भी ये एक कमेंट था, अमू ने कल नूडल्स बनाए थे उस वाले वीडियो की बात कर रहा हूँ, और कमेंट्स आपको पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, आप दोनों हमेशा एक साथ रहना, क्यूट कपल, यू गाइज आर ऑसम, लव फ्रॉम उत्तराखंड, क्यूट कपल हमेशा साथ रहो ब्रो, कहाँ से हो भाई आप, भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपकी ब्लॉग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ऑल सपोर्ट भाई, मतलब ऐसे इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं। और एक ही बंदा आके हेट दे रहा है, बोलता है कि भाई वीडियो बनाना बंद कर दो, उसने ये भी नहीं बोला कि भाई तेरा वीडियो आज का अच्छा नहीं था, तू अच्छा चल, तुझे अगर वीडियो अच्छा नहीं लग रहा तो बोलना भाई कि भाई आज की वीडियो में मज़ा नहीं आया, तो मैं समझूंगा, मैं उसे फीडबैक समझूंगा कि भाई मेरा वीडियो कहीं तो गलत हो रहा है। बंदा आके सीधा बोलता है कि भाई वीडियो बनाना बंद कर दो, अगर तुझे वीडियो पसंद नहीं आ रहा तो भाई मत देख, क्यों आके हेट फैला रहा है, बताना मुझे। मैं आगे के कन्वर्सेशन भी पढ़ के बताता हूँ आपको, और इसकी स्क्रीनशॉट भी साइड में डाल दूंगा तो पढ़ लेना। इसने पहली कमेंट करी थी भाई वीडियो बनाना बंद कर दो, तो अमू ने रिप्लाई किया कि तू देखना बंद कर दे, खुद तो जिंदगी में कुछ कर नहीं रहा, दूसरों को टोक रहा है। बराबर है, इसने सही कमेंट करा है, इसके जगह मैं होता मैं भी यही कमेंट करता। इसका आते थे मेरा ही बारे की वीडियो कमेंट चेक करना, और सुबह सुबह बंदा उठ करके सबसे पहले देख रहा है कि ऐसा भी कमेंट है, कितना दिमाग, मतलब पहले हम लोग सुबह उठ के आपके कमेंट्स पढ़ते ताकि मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाऊ करके, और आप लोग ये कमेंट्स कर रहे हो वीडियो बनाना बंद कर दो, क्यों बंद कर दो। चलो ठीक है, अगला कन्वर्सेशन बता दो, मैं उस पर रिप्लाई क्या किया बंदे ने, साली तू कौन है, हम पसंद करते हैं तो ही उसको व्यूज मिलते हैं, आज तो सब्सक्राइब है वो हमारे ही वजह से है, और तू तेरी जिंदगी देख, हमको वीडियो मजा नहीं आ रहा तो हम बोलते हैं ना, हम बोलेंगे तो ही भाई को पता चलेगा कि अपने वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है। तो भाई पहली तो बात मैं तुझे एक बात बोलूँगा, पहले लड़कियों की इज्जत करना सीख, उसने तुझे गाली देके बात किया जो तू साली वगैरह बोल रहा है उसको, तेरी साली लगती है वो, चल ठीक है छोड़ दे वो भी, ठीक है वो बात भी छोड़ दे, ठीक है क्या बोल रहा है, हमने सब्सक्राइब किया तभी इतने सब्सक्राइबर्स बने, भाई मेरे जो सब्सक्राइबर्स है ना, जो मेरे मतलब ट्रू रॉ आर्मी है ना, वो लोग कभी ऐसा हेड नहीं फैलाते, और वो लोग ऐसा दिखाते नहीं है कि हमने सब्सक्राइब करा है तभी तू इतना बड़ा बना है, लोग है ना मतलब 200 मेरे 100-200 सब्सक्राइबर्स है ना, तब से लोग मुझे आज तक देख रहे हैं और उनकी मैं उतनी इज्जत आज भी करता हूँ। ये कल का आया हुआ बंदा मुझे बोलता है कि वीडियो बनाना बंद कर दो, सब लोग अगर ऐसे हो, अगर आप जितने भी मेरे 25K लोग भी हो, मतलब अगर 25K में से अगर 24.9K भी अगर ऐसे लोग है मेरे सब्सक्राइबर, तो मैं अभी बोलूंगा कि मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अच्छे टाइम में साथ दे रहे हो तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे बुरे टाइम में भी साथ दो। और कल का वीडियो तो सबको अच्छा लगा था, खाली इसको अकेले को अच्छा नहीं लगा था, चलो वो बात तो अलग है, अच्छा नहीं बना होगा मैं मानता हूं, चलो कल का वीडियो अच्छा नहीं बना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना, मत देखो, अगर एक वीडियो अच्छा नहीं बना तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम बोलोगे वीडियो बनाना बंद कर दो, तुम आके बोलो ना कि भाई वीडियो अच्छा नहीं बना है, मैं वीडियो कुछ और करूंगा, कुछ ज्यादा एंटरटेनिंग करूंगा। आप बोल रहे हो कि वीडियो बनाना बंद कर दो, क्यों भाई, मैंने तेरी बात सुन के वीडियो बनाना चालू करा था, मैंने शुरू करा था तब तो तू नहीं था, तो अब जो तू मुझे बंद करने बोला, चलो ऐसे तो बहुत हेटर्स आते रहते हैं,
तो इनको इग्नोर करते हैं। जो बंदा है वैसे अगर आप हो ना तो प्लीज़ मुझे अनसब्सक्राइब कर दो। अभी छोड़ते हैं ये सारी बात को, ये नेगेटिविटी को, ये रूल्स की है। और आप कितना भी अच्छा काम करो आपको नेगेटिविटी मिलनी है, आप जितना अच्छा काम करोगे आपको उतने हेटर्स मिलेंगे। ये बंदा मेरा हेटर्स नहीं होगा फिर भी पता नहीं ऐसे कमेंट कर क्यों कर रहा है जबकि मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं। अगर इसको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगा तो इसको बोलना चाहिए था कि भाई वीडियो में मज़ा नहीं आया, बट ये बोल रहा है कि वीडियो बनाना बंद कर दो। बताओ, ये आके मुझे बोला था भाई YouTube चैनल खोल, वीडियो बनाना चालू कर, ऐसा बोला था इसने मुझे आके? नहीं, अभी या तो फिर अगर यार उसको ज्यादा मोटो ब्लॉग बना तो ये बोल सकता था भाई कि भाई आप मोटो ब्लॉग तुझे क्या करो, तुझे जो पसंद है तू वो बताना कि भाई ये पसंद नहीं आ रहा कुछ और बना, ये बना। तू ये क्यों बोल रहा है वीडियो बनाना बंद कर दो पहली बार? चलो ठीक है, जो भी है इस नेगेटिविटी को हटा देते हैं और अभी चलते हैं फटाफट से। हमें जा रहे हैं चिड़ियों को खाना खिलाने के लिए, सबसे पहले तो हम खुद की पेट पूजा करेंगे फिर जाके चिड़ियों को खाना खिलाएंगे। मैं दो दिन यहाँ पे अपने औरा को पार्क किया, देखो कितनी ज़्यादा डस्ट बैठ गई है, कितनी गंदी हो गई है यहाँ पे। देखो हम उन्हें जो लिखा था वैसे का वैसा पड़ा है। क्या कर रही है वे, ज़्यादा डिजाइन मत बना मेरे औरा पर, बाप रे इसको साफ करना पड़ेगा फटाफट से। साफ कर तो आज भी बिल्ली आके बैठी थी। ये देखो भाई इसका हैंडल कितना हिल रहा है, इसको भी मुझे फटाफट से ये स्क्रू फिट करना है। भाई मैं आपको अभी भी बोलूँगा, अगर आपको नहीं पसंद ना वीडियोस तो अनसब्सक्राइब कर दो, फालतू का हेट मत फैला। आप अम्मू को बोल रहे हो कि तू कौन है करके, वो मेरे पहले वीडियो जाके अभी भी चेक कर सकते हो, मेरा पहला वीडियो इसी के साथ है और पहले वीडियो से लेके आज तक ये मेरे साथ है और हमारे सारे वीडियो साथ में रहते तो उसका हक बनता है। वीडियोस तो छोड़, वीडियो तो यूट्यूब तो था भी नहीं, था भी नहीं तब से ये मेरे साथ है, ठीक है, मतलब यूट्यूब के पहले से ये मेरे साथ है। अब इसको बोल रहे हो कि तू कौन है करके, भाई अगर आपको नहीं पसंद है तो मत देखो, उसका हक बनता है। अगर आप कुछ गलत बोल रहे हो तो उसका भी हक बनता है कि वो आके आपको टोकेगी। और पहली बात, अगर आपको नहीं पसंद है तो हेट क्यों फैला रहे हो, इतना टाइम क्यों है आपके पास, अपनी ज़िंदगी में कुछ करो ना। मैंने आपको पूछ के थोड़ी ना चैनल शुरू किया था, और आपके अकेले के वजह से मुझे ये सारी चीज़ें, गंदी चीज़ें मुझे दूसरों को सुनानी पड़ रही है। और ये हेट ना दिमाग से निकलता नहीं है इतनी जल्दी जितने जल्दी आप सोचते हो। आपका बस एकदम आसान रहता है कि आके कमेंट करके निकल गए, लेकिन जब सामने वाले के दिमाग में इतना सब घूमता है ना वो आपको नहीं समझ में आता। तो अगर आप ना अच्छी बात नहीं बोल सकते तो बुरी बात मत बोलो पहली बात। तो 9 to 5 जॉब करने वाला इंसान नहीं है कि हाँ भाई 9 बजे से 5 बजे तक काम कर लिया उसके बाद घर पर जा करके कुछ नहीं आराम करो। ये बंदा सुबह 8 बजे से जो उठता है, 8 बजे 7 बजे जो उठता है उसके बाद से लेकर के रात को 12-1 बजे तक इसका काम चालू रहता है। पहले ब्लॉग करना, फिर एडिट करना, फिर ब्लॉग करना, फिर एडिट करना, पूरा दिन निकलता है ना उसमें, समझ में नहीं आता। मतलब आप लोगों को कंटेंट देने के लिए पूरा अपना सब लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं बहुत, मतलब अपने ना 95% आपकी, अपने 95% ऑडियंस इतने अच्छे हैं ना, अप्रिशिएट करते हैं और बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं। और बुरा वीडियो बनेगा तो भी सपोर्ट करते हैं कि भाई कोई बात नहीं सब अच्छा हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा नहीं कि भाई बंद कर दो बनाना। इनफैक्ट अपना जो अभी वो हुआ था हेलमेट के सेंटर हुआ था, कितने लोग ने सपोर्ट करा, कितने, क्योंकि सब सपोर्टर्स है, ये हेटर्स एक दो ही है जो ऐसे भरे पड़े और कुछ भी नहीं, इनको सिर्फ हेट फैलाना आता है, खुद कुछ करेंगे नहीं दूसरों को भी टोकेंगे। कोई बात नहीं, ये सारी नेगेटिविटी दिमाग से निकालते हैं, इनको बोलने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जिनको पसंद है उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं खुद के लिए बना रहा हूँ पहली बात। तो अगर आपको पसंद है तो देखो, नहीं पसंद है अनसब्सक्राइब कर दो। अभी फटाफट से हैंडल बार फिट करते हैं और जाते मस्त से नाश्ता करेंगे। और मुझे सुबह से माइग्रेन हो रहा है क्योंकि मैं रात को भी ढंग से खाया नहीं था खाना, क्योंकि मेरे हिस्से का सब कुछ चॉप मिल ने खा लिया था। ओए तुमने इतना सूखा सूखा चपाती बनाया था कि खा नहीं पाई है, सच सच बता ना अब क्या हुआ? ये तो डालेगा मैं बहुत मारूंगे तुझे, डालूंगा मैं, ये जाएगा ही जाएगा। रोटी कड़क कड़क हो गई तो मैंने खाया नहीं, मैंने सब सॉफ्ट मिल्क को दे दिया खाने के लिए। भाई अपना काम हो गया, हैंडल बार एकदम फिट हो गया, बिल्कुल नहीं हिल रहा, अभी प्रॉपरली फिट हो चुका है। अभी निकलते हैं, चलते थोड़ा सा नाश्ता करेंगे और फिर जाना है हमें बर्ड्स को खाना खिलाने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो बर्ड, सफ़ेद सफ़ेद बहुत क्यूट दिखती है। ये रहे अपने अमू मैडम, मैंने इसके मिरर सर नंबर प्लेट नहीं लगाया फिलहाल, बैठ गया हूँ। हमारा नाश्ता करके हो गया और मैंने चिड़िया के लिए भी खाना ले लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं उस बीच पे। अब लेट तो हो गया, लगता तो नहीं है कि अभी होगी चिड़िया, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं। अभी वैसे तो धूप निकली है तो आई होप धूप सेकने के लिए ऊपर आए हो वो लोग, देखते फटाफट चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं, मज़ा आएगा बहुत अगर रहेंगे तो, क्योंकि मैं बहुत दिनों से चाहता हूँ कि जाके देखूँ थोड़ा क्लोज से, तो आज थोड़ा क्लोज जाने को ट्राई करेंगे उनके। ये गाइस ये विंडशील्ड स्टॉक वाली कैसी लग रही है आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वाली विंडशील्ड सोच रहा हूँ मैं रखूँ करके, बट सामने से देख के ये उतनी अच्छी नहीं लग रही, बाकी आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है आई गेस, क्योंकि इसमें से ना ज़्यादा एंगल दिखाई देता है। लास्ट वाले वीडियो में भी बोला था, लेकिन लास्ट वाले वीडियो में मैंने ना गलती से मेरा जो व्यूइंग एंगल है वो वाइड पे रखा था, आज सुपर व्यू पे रखा हुआ गाइस। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा दिख रहा है आपको। मैं सोच रहा हूँ कि आज जाके पूरी बाइक असेंबल कर दूंगा और ये वाइज़र भी चेंज कर दूंगा, बाकी आप कमेंट करके बताना। तो आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है कि मैं ये स्टॉक वाला वाइज़र लगाऊँ, स्टॉक वाला विंडशील्ड लगाऊँ या फिर चेंज कर दूँ।
भाई मुझे लग रहा था कि ये लोग नहीं होंगे, बट यस यस यार ये लोग तो है यहाँ पर, मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। फटाफट से चलता हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा उदास उदास सा लग रहा था मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये लोग नहीं रहेंगे, बट यार ये लोग है अभी भी यहाँ पर। मैंने बोला था अम्मू को कि ये लोग रहेंगे करके, बोलते कि नहीं अभी लेट हो गया इतना टाइम थोड़ी रुकेंगे, बट यार बहुत सही। मैं फटाफट से चलता हूँ वहाँ पर उनको खाना खिलाते। हेलो व्हाट्सअप उड़ जाएंगे, देखो यार कितने प्यारे दिख रहे, मतलब मैं हाथ से उनके तो पहुँच सकता हूँ इतने पास से। हाथ में खाने के लिए नहीं, हाथ में नहीं, चोट मारेंगे तो लग जाएगा मुझे। सुनिए सही है, ये देख इधर लेफ्ट में भी पूरे लाइन में, राइट में भी पूरे लाइन में, और तू क्या बोल रही थी कि नहीं रहेंगे। भाई मज़ा आ गया, मतलब सारा नेगेटिविटी भूल गया मैं इनके लिए खाने के लिए लाया था। लेट से ये लोग आते हैं क्या, चने लाए थे मैंने खरीद के, जो हमने नाश्ता किया उसके बाद ही हमने खरीद लिया था। देखते आते हैं क्या, आजा आजा मेरी जान आजा तेरे लिए ही है। भाई सारे ये आ रहे, ओह माय गॉड, अबे हम पर हमला हो गया भाई, भाई साहब, अरे तुम्हारे लिए ये आराम से आराम से आराम से कैसे खा रहे भाई, सही ना। ओ बाप रे, पूरा का पूरा झुंड आ गया यहाँ पे। भाई डरो मत यार, डरते क्यों हो, तुम्हारे लिए आ जाओ आ जाओ, बस मारना मत। कितने प्यारे, कितने क्यूट है। यस प्लान सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल। कबूतर आ गए, कबूतर है ना, कबूतर कोई बात नहीं, तुम भी खा लो, तुम्हारे लिए भी है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया, आज का दिन सक्सेसफुल हो गया। मैं तब से चाहता था कि इन लोग को खाना खिलाओ आके, और इनको हाँ कबूतर आ गए। सीगल तो देख रोड पे कैसे उड़ रहे, बाप रे, ए भाई साहब मजा आ गया। पर अब यार सच्ची में मैं इनको इतने क्लोज से देखना चाहता था, कितने टाइम से देखना चाहता था, कितने सारे है ना, मज़ा आ रहा है ना। सिरदर्द चला गया कि नहीं सारा। ये परसन खाते थे ये लोग, परसन खाते थे मी चने आणलेले, चने एवढे खाल्ले नाही, कबूतरांनी खाल्ले। हा चने सगळे कबूतर खाऊन घेतले। अच्छा हाँ का, तुम्हारे अंकल यहाँ पे आए थे वो बता रहे कि ऑस्ट्रेलिया से आते और ऑस्ट्रेलियन तो ये और इनको नमकीन की वो ज़्यादा पसंद है। इतना बड़ा पैकेट लाया था, इतना बड़ा पैकेट पूरा चेट कर दिया कितने सारे सीगल से। आज का दिन वर्थ हो गया सच्ची में। सुबह वो कमेंट पढ़ के थोड़ा दिमाग हट गया था, लेकिन अभी ना इतनी पॉजिटिविटी मिल रही है, नेक्स्ट लेवल, मज़ा आ गया आज तो। आज का दिन टोटली वर्थ हो गया भाई। भाई मज़ा आ गया आज तो, हमारी मॉर्निंग बन गई अच्छे से एकदम मस्त, हम लोग तो एकदम खुश हो गए। मतलब कितने दिनों से मैं चाहता था कि इनको खाना खिलाओ आके, आज फाइनली मतलब मैं क्या खिलाना है वो भी पता चल गया। अभी रिटर्न आएंगे एक दो दिन में वापस। गाइस सब्सक्राइब टू रॉबर्ट रियल एंड डोंट हेट अस। चलो निकलते हैं यहाँ से, मज़ा आ गया। अभी अम्मू को यहाँ से घर पे छोड़ दूंगा और मैं अपने घर पे निकल जाऊंगा, मतलब कल्याण निकल जाऊंगा। अभी मैं उठाने में और मज़ा है कि नहीं बता, मज़ा है। आराम से भाई, इतना ही दबाव है, बहुत मज़ा आया यहाँ पर आके इनके साथ टाइम स्पेंड करके। तो भाई हम लोग रिटर्न आ चुके हैं, बहुत मज़ा आया आज। इस वीडियो को ये पे क्लोज कर रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना पॉजिटिव। हाँ और कमेंट करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी यहाँ से मैं घर पे निकल जाऊँगा, अपनी बैग वैग लेके घर पे निकल जाऊँगा, जाके मुझे वीडियो एडिट करना है और ग्रूमिंग भी करनी है। बालों की हालत देखो क्या हो रखी है, बाल दाढ़ी ये तो सोने वाली है, मेरे तो बाल दाढ़ी बहुत बढ़ चुकी है। तो भाई जाके मुझे ग्रूमिंग वगैरह करनी है, देखते हैं टाइम मिलता है क्या। पहले तो जाके वीडियो एडिट करना है, थंबनेल एडिट करना है, अपलोड करना है, फिर देखते हैं बाकी सब। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।